सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बाल्की ने चीनी कम पा शमिताभ की एंड का जैसी फिल्में डायरेक्ट की है। पैडमैन के साथ वो फिर से एक अहम मुद्दे को लेकर हाजिर है। आर बाल्की की ये फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम की जिंदगी पर आधारित है, जिन्हें पूरे विश्व में पैडमैन के नाम से जाना जाता है। फिल्म की रिलीज पहले गणतंत्र दिवस पर होनी थी, लेकिन पद्मावत के साथ होने वाले क्लैश को टालने के लिए अक्षय इसे 9 फरवरी को रिलीज कर रहे हैं। आर बाल्की की फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश के महेश्वर बेस्ड है, जहां का रहने वाला लक्ष्मीकांत चौहान सबकी सहायता करने के लिए जाना जाता है, लेकिन लोग उसके प्रयोग करने की वजह से हमेशा उसे पागल कहकर बुलाते हैं। फिर उसकी शादी गायत्री से होती है, लेकिन शादी के बाद लक्ष्मीकांत को महिलाओं की महावारी का पता चलता है। इस दौरान होने वाली तकलीफ से महिलाएं कैसे गुजरती हैं? इस बात से परेशान होकर लक्ष्मीकांत अपनी बहन, पत्नी और माँ के लिए पेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इस प्रयास को घर वालों के साथ ही गांव के लोग भी गलत और गंदा समझते हैं। लक्ष्मीकांत की पत्नी गायत्री भी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर अपने जज्बे को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत गांव से शहर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात परी से होती है। परी लक्ष्मीकांत को अपना सपना पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्मीकांत अपने मंसूबे में कामयाब होता है, सस्ते पैड्स बनाता है और पूरे गाँव के साथ ही विदेश में भी मिसाल बन जाता है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।